मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि बीते 24 घंटे में गोरखपुर और देवरिया में केवल एक एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों मरीज दिल्ली और मुंबई से रेफर हैं। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि अब जिले में प्रवेश करने वाले सभी मरीज को सीधे उनके गांव न भेजकर अस्पताल भेजा जाएगा, जहां उनका स्कैनिंग किया जाएगा, जिससे उनमें अगर संक्रमण है तो उनके गाँव में न फैलने दिया जाए। गौरतलब है कि गोरखपुर के बिछिया के सर्वोदय नगर का रहने वाला तिलक बहादुर थापा को पॉजिटिव पाया गया है। तिलक बहादुर थापा अपने पिता का थ्रोट कैंसर का इलाज कराने के लिए फरवरी माह में मुंबई के टाटा अस्पताल में गया था। वह अपने पिता को लेकर एम्बुलेंस से पत्नी और दो बच्चों के साथ गोरखपुर पहुंचा था। यहां पर सभी को क्वारंटाइन करने के बाद उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। वहां पर पुलक बहादुर थापा की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। परिवार के अन्य लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। गोरखपुर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा देवरिया में भी बैतुल्ला नाम के शख्स को पॉजिटिव पाया गया है। यह देवरिया में पहले पॉजिटिव मरीज के साथ एम्बुलेंस से मुंबई से देवरिया पहुंचा था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देवरिया में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2 हो गई है, जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि अब गोरखपुर मंडल में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 6 हो गई है। गोरखपुर में 3, देवरिया में 2 और महाराजगंज में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर बॉर्डर को सील करने के साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों की पूरी तरह जांच की जा रही है। एम्बुलेंस से मरीजों को लेकर आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सब मामलों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए इस समय हमारे 6 पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जो पिछले 3 दिन में हमें पता चले हैं। और ये जो पेशेंट हैं, ये सारे पेशेंट जो हैं मुंबई या दिल्ली से आए हुए हैं। और इसीलिए जो है नई हमने प्रणाली डाली है इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर, जिसके अंतर्गत जितने भी एम्बुलेंस से पेशेंट आ रहे हैं उन सभी को हम जो है सीधे चिकित्सालय ले जाएंगे। उनको हम किसी को भी जो है सीधे गांव में जाने नहीं देंगे। इनफैक्ट जो कल का केस है, आपने यदि देखा हो गोरखपुर का केस, उसमें भी जो पॉजिटिव आया है वो गांव में नहीं गया है, सीधे उसको बॉर्डर से हमने हॉस्पिटल की तरफ ले गए। इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि गांव में संक्रमण नहीं हुआ है। जैसा कि ये निर्णय दिया गया है उच्च स्तर से कि हमें जो है इस ऊपर बाहर से श्रमिकों को लाना है, और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये सारी तैयारी हम कर लें और ये देख लें कि हम जो है हमारे चिकित्सालय पीएचसी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला चिकित्सालय और बीआरडी, इसमें कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो संदिग्ध हो सकता है, जिसमें सस्पिशन हो सकता है कोरोना का, उसको हम तुरंत उसके सैंपल टेस्टिंग के लिए उसको डाइवर्ट करें और उसको आइसोलेशन में रखें। और यही निर्देश दिए गए हैं और हम आशा करते हैं कि हम इसको कॉन्टेन कर पाएंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को भी कोरोना से संदिग्ध या उसको डाउट होता है तो उसमें छुपाने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रशासन को तुरंत बताना चाहिए बिना हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लिए हुए, और हम उसमें जो भी कंटेंट किया जाना है हम उसकी कार्रवाई करेंगे। कोरोना ट्रीटेबल है, डेथ रेट इंडिया में यदि आप देखें स्टिल होवरिंग अराउंड 3.5-4% है, इसलिए इसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में जो हमें पता चला है, एक तो देवरिया में नया केस आया है और गोरखपुर में एक केस और आया है। महाराजगंज में एक केस पहले था और गोरखपुर में 2 का ट्रीटमेंट पहले ही चल रहा था। इन 6 को हम जो है बीआरडी में ट्रीट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इनको हम जल्दी निगेटिव करके इनको रिलीज कर पाएंगे।